आप बाहर आने से रोकते हैं? बहुत लोग ऐसा मुझे पूछते रहते हैं कि भाई मैं बहुत वीर्य कमाता हूँ, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, देखो मेरी हड्डी सब दिख रही है, देखो मेरा वजन कैसा कम हो रहा है, देखो गाल कैसे बैठ गए, और बहुत बाहर जा रहा है। तो फिर मैं पूछता हूँ बाहर जा रहा मतलब क्या हो रहा है? तो बोले सपने में बहुत जा रहा है, या फिर मैं हाथ से निकालता हूँ, रोज 4 से 5 बार निकालता हूँ हाथ से, और फिर उसमें बहुत वीर्य नाश हो रहा है, तभी मुझे वो रोकने का है। तो फिर मैं उनको मजाक में बोलता हूँ कि ठीक है बंद करना है, बंद कर देंगे, बोलते हाँ बंद कर देना है। फिर मैं उसको मजाक में बोलता हूँ ठीक है मैं पूरा बंद कर दूंगा हरदम के लिए, तो फिर बाद में आप शादी करेंगे तो बंद ही हो जाएगा, फिर क्या करोगे? बोले नहीं 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 वैसा बंद नहीं करना है। फिर मैंने क्या करना है? बोले नहीं बंद नहीं करना है मगर कम करना है। मतलब भाई पेशाब कम करना है, ऐसा आप कभी बोलते कि मेरे को पेशाब कम करना है? बोले नहीं वो तो नॉर्मल है। फिर ये भी नॉर्मल है, इसको क्यों रोकना है? ये भी तो नॉर्मल ही है। बोल मगर लोग बोलते नहीं नहीं ये है ना बहुत कीमती है, बहुत शक्तिवर्धक है। नो फैप मूवमेंट चलती है, नो फैप मूवमेंट मतलब हस्त मिथुन नहीं करना, वीर्य बाहर निकालने का नहीं, उसको रोकने का है। फिर लोग अलग अलग संस्था में जाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर वहाँ बोलते कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर लोग बहुत रोकते हैं, बहुत रोकते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं जाना चाहिए करके, और फिर रहा नहीं जाता क्योंकि निकलना नॉर्मल है, स्वाभाविक है, और जब निकल जाता है तो फिर उनको बहुत गिल्ट फीलिंग होता है, अपराध बोध की भावना होती है। अरे मैंने देखो वो मेरे जो है गुरु वो बोलते हैं कि नो नट नवंबर, 1 महीना नवंबर का बंद, नो नट अक्टूबर, 1 महीना बंद, या 1 साल तक बंद, देखो वो कर पा रहे, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे यदि ईश्वर प्राप्ति करना है, मुझे यदि बहुत साल तक जीना है तो मुझे रोकना चाहिए, मेरे गुरु कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ। भाई आपने देखा जाके गुरु कर रहे कि नहीं कर रहे सच्ची, कि गुरु ऐसी फूंक मार रहे? तो गुरु जी बोलने के लिए रहते हैं, वो भी नॉर्मल है। उल्टा मैं ये बोलता हूँ कि यदि वीर्य बाहर निकलता नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, तो यदि आपका बाहर निकलता नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने की, भाई मेरा बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा माल, बाहर निकलना करके इलाज नहीं करना है, बाहर नहीं निकलना करके इलाज करना है। तो उसमें गिल्ट अपराध बोध की भावना बिल्कुल नहीं। हाँ हाथ से निकाल रहे हैं बार 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 बार, या फिर पॉन देख देख के निकाल रहे हैं, और उसमें आपका बहुत टाइम भी जा रहा है, क्योंकि बहुत दो दो चार चार घंटे में पॉन देख रहा हूँ, दो दो चार चार घंटे में हस्त मिथुन में डाल रहा हूँ, हाँ तो फिर वो प्रॉब्लम है, वो एक एडिक्शन जैसा हुआ है, और फिर वो एडिक्शन आपको ठीक करना होगा। तो उसमें फिर आपको आपका अटेंशन डाइवर्ट करना है, फिर बहुत इच्छा हो गई तो अपने अच्छे दोस्त को कॉल करना है, अपने घर वालों को कॉल करना है, परिवार लोगों के साथ में मिलना है, अपना हॉबी जो है उसको परस्यू करना है, मतलब कोई भी ऐसा काम कि अपना अटेंशन वो हस्त मैथुन से डाइवर्ट हो जाएगा, हैंड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी। अपना अटेंशन यदि डाइवर्ट हो गया, उतना टाइम निकल गया, तो फिर बाद में हस्त मैथुन की इच्छा भी नहीं होगी और बाहर भी नहीं आएगी। हाँ रात में जब निकलता है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रात में सपने आते रहते हैं, रात में नॉर्मली इरेक्शन होते रहता है, नॉर्मल 4-5 बार टाइटनेस आता है पेनिस में नींद में, और जब टाइटनेस आता है घर्षण होता है तो वो बाहर निकलना ही है, स्वाभाविक है, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। फिर इतना ही आपको पड़ी है, इतनी पड़ी है आपको कि नहीं नहीं बाहर निकलना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ताकत गमा रहा हूँ, तो फिर अच्छा खाओ पियो मज़े करो, प्रोटीन खाओ, फैट खाओ, जो भी आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को वजन बढ़ाने का है, क्योंकि वजन वीर्य बाहर जा रहा करके नहीं जा कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है कि मेरा बाहर निकल रहा है, मेरा बाहर निकल रहा है, अब क्या करो, देखो बहुत ताकत जा रही है, ऐसा हो रहा है वैसा, तो भी वो फिकर फिकर से आपका खाना कम हो जाता है और अपना वजन कम हो जाता है, चिंता से वजन कम होता है, वीर्य आने से होता नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य आदमी जो बहुत साल तक जीता है इसको कोई साइंटिफिक बेस है नहीं, तो आप इसमें मत जाओ, गिल्ट फीलिंग में मत जाओ, बाहर जा रहा है बिल्कुल जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ से करना है बिल्कुल करो, सिर्फ ज़्यादा होता होगा तो फिर वो एडिक्शन है और उससे फिर अपने को रोकना पड़ेगा, उसके लिए इलाज करना होगा। खुद का खुद आप नहीं रोक सकते तो आप आपके प्रोफेशनल डॉक्टर को जो आपका है वो उसकी हेल्प ले सकते हैं प्रोफेशनल की, और आप अपना इलाज कर सकते हैं। वैसे मेरे पास भी लोग आते हैं तो मैं ऐसे सारा जैसी दवाई देता हूँ कि जिससे थोड़ा सा विचार कम हो जाएंगे, या फिर क्लोमिप्रामाइन जैसी दवाई मैं देते रहता हूँ जिससे लोगों के विचार कम हो जाएंगे और हस्त मैथुन की इच्छा जो है वो कम हो जाती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।